सो गाइस इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ इस टाइप की रील वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। सो आप भी इस टाइप की रील वीडियो क्रिएट करना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करें वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सो इस टाइप की एडिटिंग सीखने के लिए आपको ये दो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। कैपकट एप्लीकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। एंड टर्बो वीपीएन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके सिंपली आपको इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करके आपको सिंपली कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो वही काम करेगा। तो कनेक्ट करके आपको इसको ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपको टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप इस टाइप की एडिटिंग करना चाहते हो। तो सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करके नीचे ऐड वाले बटन पे टैप करके सिंपली आपको ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे हमारा वीडियो ऐप के अंदर ऐड हो चुका है जैसे कि देख सकते हो। तो आपको वीडियो के लास्ट में ना यहाँ पे आपको इस ऐप का वाटरमार्क देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इसको डिलीट करना है, इसको फिर टैप करना है एंड इसको आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के अंदर ऑडियो को ऐड करना होगा। तो ऑडियो को ऐड करने के लिए आपको वीडियो के नीचे ऐड ऑडियो लिखा है, टैप करना है इसके ऊपर। देन यहाँ पे आपको एक्सटेंड वाले बटन पे टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको अपनी गैलरी में से उस वाली रील वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसमें ये ऑडियो हो, तो रील वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है इंस्टाग्राम से। देन यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करके नीचे एक्सटेंड एंड ऐड ऑडियो सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है। तो जैसे टैप करोगे तो रील में से साउंड कन्वर्ट होके ऐप के अंदर ऐड हो जाएगा जैसे ही देख सकते हो, तो ऐड कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको इसके एंड माना है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपके ऑडियो की लेंथ आपके वीडियो की लेंथ से बड़ी है या छोटी है। तो हमारे वीडियो की लेंथ ऑडियो की लेंथ से थोड़ी सी बड़ी है, तो सर सिंपली आपको अपने वीडियो पर टैप करना है एंड इसकी लेंथ को आपको पकड़ के अपने ऑडियो की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको इसको कर लेना। ओके, तो ये आपको ये कर लेना है। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे ओवरले इस पर आपको टैप करना है। देन ऐड ओवरले इस पर आपको टैप करना है। एंड यहाँ पर आपको अपनी गैलरी में से उस वाली रील वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस टाइप की आपको एडिटिंग करनी है। तो सिंपली आपको डाउनलोड करके इंस्टाग्राम से इसको आपको सिलेक्ट करके नीचे ऐड वाले बटन पे टैप करके आपको इसको वीडियो को ऐप अंदर ऐड कर लेना है। सो यहाँ पे हमने इस वाली वीडियो को ऐप अंदर ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है वीडियो को। एंड आपको इसको ऊपर नीचे जहाँ ऐड करना चाहते हो आपको इसको एडजस्ट कर देना है। एंड ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको वीडियो को प्ले करना है। एंड वीडियो को प्ले करके देखना है कि आपको छोटी वाली वीडियो में कहाँ पर कौन सा इफेक्ट ऐड है अभी। ओके, तो जैसे कि देख सकते हो हमारी छोटी वाली वीडियो है, इसके जो फर्स्ट भाग है उसके अंदर ब्लैक इफेक्ट है और जो सेकंड भाग है वो नॉर्मल है। ओके, तो उसके बीच में एक शेक इफेक्ट आ रहा है, तो सिंपली आपको जो शेक इफेक्ट है इसके बीच में आपको आ जाना है। ओके, एंड यहाँ पर हम वीडियो को पॉज कर देंगे। एंड यहाँ पर आपको अपनी वाली वीडियो पर टैप करना है। एंड नीचे आपको स्प्लिट वाले बटन पे टैप करके सिंपली आपको अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है, मतलब दो भाग में आपको इसको कर लेना है। ओके, पहला भाग तो ये वाला है और सेकेंड भाग ये वाला है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको ये कर लेना है। ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये जो हमारा फर्स्ट भाग है तो आपको इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना होगा। जैसे ही देख सकते हो हमारी नीचे वाली जो हमने वीडियो एड करी थी वो भी ये ब्लैक एंड व्हाइट है, तो वो करने के लिए आपको वीडियो पर टैप करना है। एंड नीचे की तरफ आपको इसको स्क्रॉल डाउन करके एडजस्ट वाले बटन पर आपको टैप करना है। देन ही आपको कई सारे टूल देखने को मिलेंगे, तो सिंपली आपको सेचुरेशन इसको आपको सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे आपको इसको माइनस कर देना है, फुल माइनस आपको इसको करना है। एंड यहाँ पे आपको ब्राइटनेस इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपको इसकी ब्राइटनेस 5 या 6% रख लेनी है। ओके, माइनस की 5 या 6% आपको इसको रखना है। देन नीचे आपको राइट वाले बटन पर टैप करना है, तो ये वाला पार्ट आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है जैसे कि देख सकते हो। एंड ये होने के बाद फ्रेंड्स आपको इसके अंदर जो हमारा ये वीडियो है तो इसके अंदर आपको ब्लर इफेक्ट ऐड करना होगा, तो वो करने के लिए आपको नीचे इफेक्ट इस पर आपको टैप करना है। देन वीडियो इफेक्ट पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है। एंड यहाँ पे आपके सामने कई सारे इफेक्ट ओपन हो जाते हैं, तो सिंपली आपको ऊपर की तरफ हालो ब्लर इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। एंड ऊपर राइट वाले बटन पर आपको टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको इसी इफेक्ट की लेंथ को सिंपली आपको इसको बड़ा कर लेना है, जहाँ तक आपने वीडियो में स्प्लिट लगाया था वहाँ तक आपको इसको ऐड कर लेना है, मतलब यहाँ तक आपको इसको कर लेना है। यह करने के बाद फ्रेंड्स आपको वापस से इफेक्ट पर टैप करना है। देन नीचे आपको एडजस्ट वाले बटन पे टैप करना है। एंड इसकी इंटेंसिटी आपको इसको 100 करना है। एंड नीचे आपको राइट वाले बटन पे टैप कर देना है। ओके, तो ये काम आपको कर लेना है। यह करने के बाद फ्रेंड्स आपको वापस से वीडियो को प्ले करना है। वीडियो को प्ले करने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर हमारा ब्लर इफेक्ट ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे ये छोटे वाली वीडियो है, इसके अंदर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो एक ब्लैक इफेक्ट ऐड है, तो वो चीज़ आपको ऐड करने के लिए सिंपली वापस से इफेक्ट पर आपको टैप करना है। एंड यहाँ पे आपको वीडियो इफेक्ट इस पर आपको टैप करना है। देन यहाँ पे आपको वापस से ओपनिंग एंड क्लोजिंग इस वाले बटन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ पे आपको इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। एंड यहाँ पे आपको नीचे की तरफ
फेड आउट इस वाले को आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ऊपर राइट वाले बटन पर आपको टैप करना है एंड यहाँ पे इस इफेक्ट की जो लेंथ है सिंपली आपको इसको पकड़ के यहाँ तक करना है जहाँ तक स्प्लिट लगाया था वहाँ तक आपको इसको कर लेना है। ओके सो ये करने के बाद फ्रेंड्स आपको सिंपली जो सेकंड वाला पार्ट है इस पर आपको आ जाना है एंड जो सेकंड वाला पार्ट है इसके स्टार्टिंग में एक शेक इफेक्ट ऐड है तो वो करने के लिए आपको सिंपली वीडियो पे टैप करना है जो सेकंड वाला पार्ट है टैप करना है इसके ऊपर एंड यहाँ पे आपको एनिमेशन वाले बटन पे टैप करना है एंड यहाँ पे ऊपर इन वाले को सिलेक्ट करके सिंपली आपको इनको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको नीचे की तरफ एक